विकास दुबे की संपत्तियों की जांच मामले में ईडी की टीम कानपुर जा सकती है। ईडी विकास और उसके करीबियों की संपत्ति की जांच करेगी। ईडी ने आईजी कानपुर रेंज को लेटर लिखा है। आपको बता दें कि विकास के खजांची जय वाजपेयी की भी संपत्ति की जांच होगी। विकास और जय वाजपेयी कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। विकास दुबे एनकाउंटर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आपको यह बता दें कि सीबीआई जांच की मांग की गई है। विकास दुबे का घर ढहाने को लेकर एफआईआर की मांग की गई। मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय ने याचिका दाखिल की थी। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं। वहीं अब सूत्रों का यह कहना है कि सचिन पायलट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट कांग्रेस की बैठक में आने से इनकार कर चुके हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तड़के भस्म आरती की गई। हालांकि कोरोना वायरस के चलते आरती में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिल पाया, लेकिन भस्म आरती में आज बाबा का भांग से श्रृंगार किया गया और कोरोना वायरस को लेकर पुजारियों ने भगवान महाकाल से प्रार्थना की। सावन के दूसरे सोमवार में हरिद्वार के शिव मंदिरों में भी जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। कोरोना काल के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। वाराणसी के श्री काशी वैश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वैश्विक महामारी को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। कोरोना संक्रमण के कारण विशेष सतर्कता बरती जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में वैसे लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस बार इस नियम और व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। भारत में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 28,701 नए मामले सामने आए, वहीं 500 लोगों की मौत भी हुई। लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए यूपी सरकार ने बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब बाजार और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान सप्ताह में 5 दिन ही खुलेंगे। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी होगी। वहीं अब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही बाजार खोले जाएंगे। लखनऊ में बाजार सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलेंगे। दुकानों का हरे और नारंगी रंग से वर्गीकरण किया जाएगा। वहीं कल से दुकानें एक दिन के अंतराल पर खोलेंगी। टेम्पो और ऑटो भी ऑड इवन फॉर्मूला से चलेंगे। आपको बता दें कि नई गाइडलाइंस डीएम अभिषेक प्रकाश ने जारी की है। लखनऊ में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 167 नए मामले सामने आए। एक ही परिवार के 17 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं एक दिन में कोरोना से 6 लोगों की जान भी गई। लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या 2,280 पहुंच चुकी है, जबकि अब तक 32 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। लखनऊ में कोरोना के 1,315 एक्टिव केस है। उधर मैनपुरी में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। 33 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 355 जा पहुंची है। वहीं कोरोना के 260 मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं, जबकि कोरोना से 11 लोगों की जान भी गई है। मैनपुरी में कोरोना संक्रमण के अभी भी 84 एक्टिव केस हैं। मेरठ में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मेरठ में कोरोना के 71 नए मामले सामने आए, जबकि अभी भी कोरोना संक्रमण के 485 एक्टिव केस हैं। नए मामले सामने आने से लोगों में अच्छा खासा हड़कंप भी समझ आ रहा है। काशीपुर में कोरोना का कहर जारी है। काशीपुर में कोरोना के 34 नए मरीज मिले। 9 कंटेनमेंट जोन में रैपिड टेस्ट में मरीज मिल रहे हैं। 1,070 लोगों का टेस्ट किया गया था। पॉजिटिव मरीजों में पार्षद निगम के कर्मचारी भी शामिल हैं। सभी मरीज कोविड केयर सेंटर में भेजे गए हैं। उधर झांसी में गंदगी और खाना न मिलने पर कोरोना मरीज छत पर चढ़ गए। बदहाल व्यवस्था से नाराज मरीजों ने आत्महत्या की धमकी दी। डॉक्टर्स और जिला प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार बताया।
बांदा में कानपुर से आई बारात में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। युवक ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर स्वास्थ्य विभाग पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। बाद में जांच में पाया गया कि युवक का आरोप बिल्कुल गलत है। बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे हॉस्पिटल में आइसोलेट किया। कन्नौज में महिलाएं मास्क और हैंड ग्लव्स बनाकर आमदनी को अपना जरिया बनाने लगी हैं। कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाएं 3 लेयर मास्क हैंड ग्लव्स बनाकर जरूरतमंदों को निःशुल्क ये बांट रही हैं। साथ ही अन्य व्यापारिक संसाधनों में भेजकर कमाई की जा रही है। महिलाओं की इस काम के लिए हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। उधर फिरोजाबाद में मास्क नहीं पहनने वालों को प्रशिक्षण केंद्र पर लाकर मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बिना मास्क वालों के लिए कई प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, जहां पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को पुलिस पकड़ कर लाएगी और उन्हें मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा। तिलक इंटर कॉलेज में ऐसे ही लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आई। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। एक ऑफिसर ने बताया कि यहां आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी हाथ लगी थी। इस पर इलाके में तलाशी शुरू कर दी गई, तभी छिपे हुए दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आपको ये बता दें कि 22,000 सीटों को जुड़वाने के मुद्दे पर सुनवाई की जाएगी। बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी। सीटों को जुड़वाने के लिए कम मेरिट वालों ने गुहार लगाई थी। विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में आज अहम बयान दर्ज होंगे। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह बयान दर्ज करवाएंगे। आपको ये भी बता दें कि कल्याण सिंह 32 आरोपियों में से एक हैं। कन्नौज में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क के किनारे पैदल जा रहे 14 साल के लड़के को रौंद डाला। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोग लड़के के इलाज के लिए अस्पताल जरूर ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने वहां लड़के को मृत घोषित कर दिया। वहीं लड़के की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। काशीपुर में सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब युवक जगतपुर गांव में अपने रिश्तेदार के यहां जा रहा था। तभी सामने से आ रही बाइक से उसकी बाइक टकरा गई। उसी समय पीछे से आ रहे डंपर ने उसे टक्कर मार दी। इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। श्रीनगर गढ़वाल में कुछ अज्ञात लोगों ने दोपहिया गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। आग लगने के बाद गाड़ी जलकर राख हो गई, जबकि 4 पहिया गाड़ी मामूली रूप से जली है। पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गाजियाबाद में आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कपड़ों के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर यहां पहुंची। शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। देवरिया में पुलिस ने 25,000 रुपयों के इनामी शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 8 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज है। आपको बता दें पुलिस कई दिनों से आरोपी की तलाश कर रही थी। बुलंदशहर में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घायल को हायर मेडिकल सेंटर में भर्ती किया गया है। प्रतापगढ़ में 2 दिन पहले घर से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुए 55 साल के बुजुर्ग का शव गांव के बाहर कुएं में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। परिजनों ने हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई है। बुलंदशहर में एसओजी की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। एसओजी की टीम पर लोगों ने पथराव भी किया, जिससे बचाव में एसओजी की टीम ने हवाई फायरिंग कर दी। एसटी शीटों को पकड़ने गई थी एसओजी की टीम, सभी लोगों ने हमला कर दिया। बागपत जनपद में लॉकडाउन लगने के दूसरे दिन मेरठ एडीजी जोन राजीव सफरवाल बागपत गांवों ने दौरा किया। राजीव सफरवाल ने डीएम बागपत समेत कई अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान पुलिस कर्मियों के लिए कोरोना से बचने के लिए दिए गए उपकरणों का सही से उपयोग करना बताया गया। साथ ही साथ एडीजी राजीव सफरवाल ने लॉकडाउन को लेकर अहम बैठक भी की।
मऊ के कोप कोहना बाजार में पड़ोसियों में उस वक्त विवाद हो गया जब उनके घर के सामने एक पड़ोसी ने कूड़ा फेंक दिया। दोनों पक्षों के लोगों ने ईंट और डंडों के साथ एक दूसरे पर हमला कर दिया। मारपीट में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुपागंज में चल रहा है। सिद्धार्थनगर में एक महिला और एक शख्स को कुछ लोग लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। बताया ये चाह रहा है कि इस गांव में दबंगों ने सिर्फ इसलिए महिला और उसके पति को पीटा क्योंकि उसने अपनी पत्नी से छेड़खानी का विरोध किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मऊ में घाघरा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए घाघरा के कई तटों पर 5 नावों को तैनात किया है। लगातार बढ़ते जल स्तर से कई संपर्क मार्ग टूट चुके हैं। घाघरा के तटवर्ती इलाकों के कई गांवों के मैदानों में बाढ़ का पानी घुसने की आशंका से ग्रामीण भयभीत भी हैं। संभल में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग की गई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बिजनौर में गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर परिवहन मंत्री बनकर एक ठग ने फोन किया जिसके बाद उसने 1.5 लाख की ठगी को अंजाम दिया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी ठग को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने ठग के पास से पैसे भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी को जेल भेज चुकी है। बागपत में एक सिपाही ने पत्नी की हत्या कर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि घर में झगड़े की वजह से सिपाही ने पत्नी को गोली मार दी उसके बाद खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। आपको बता दें सहारनपुर में सिपाही तैनात था। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उधर गोंडा में टिड्डी दल ने दस्तक दी है। टिड्डियों की दस्तक से किसानों में दहशत का माहौल है। लाखों की संख्या में टिड्डियां दिखाई पड़ रही हैं। कृषि अधिकारी समेत विभागीय कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। किसानों के सहयोग से टिड्डी भगाने में प्रशासन लगा हुआ है। राजधानी लखनऊ से सटे दशहरी गांवों और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में टिड्डी दलों के आने से दहशत है। हर तरफ टिड्डियां उड़ती नजर आ रही हैं। टिड्डी दल इतना ज्यादा तादाद में है कि लोग घर से बाहर तक निकलने में कतरा रहे हैं। जिधर भी नजर जा रही है टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आ रही हैं। लखनऊ में टिड्डियों के प्रकोप को रोकने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। टिड्डियों को भगाने के लिए हजरतगंज पुलिस सड़कों पर बाइक से हूटर बजाकर रैली निकालती नजर आई। एसीपी हजरतगंज अभय कुमार मिश्रा के निर्देश पर पुलिस ने हूटर बजाते हुए रैली निकाली जिससे टिड्डी के प्रकोप को रोका जा सके। उधर उन्नाव में फिर टिड्डी दल का हमला देखने को मिला। टिड्डियों के हमले से किसान खासे परेशान नजर आए। टिड्डियों ने सैकड़ों बीघा फसल जो बर्बाद कर दी। वहीं किसान आवाज करके टिड्डियों को यहां भगाते नजर आए। बलरामपुर में टिड्डी दल ने धान की फसलों पर हमला बोला। ललिया और हरैया क्षेत्र में टिड्डियों का दल पहुंच चुका है। टिड्डियों के पहुंचने से किसान परेशान हैं। किसानों ने तेज आवाज करके टिड्डियों को भगाने की पूरी कोशिश भी की। वहीं टिड्डियों के आतंक को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। पंजाब के जालंधर में एक बंदर पुलिस वाले की चालान बुक और पेन हाथ में लिए हुए है। देखने में ऐसा लग रहा है कि बंदर ही चालान काट रहा है। उधर रामनगर में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से बांगाजाल पेयजल योजना के टैंकों में भारी मलबा जम गया है जिसकी वजह से पानी की सप्लाई बंद सी हो गई। उसे लेकर जल संस्थान के 8 कर्मचारी जेसीबी लेकर बांगाजाल पेयजल टैंकों के पास मलबे को हटाने के काम में लगे हैं। आपको बता दें कि रामनगर में ज्यादातर जगह जो पानी की सप्लाई होती है वो बांगाजाल पेयजल टैंक से ही होती है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तराखंड सरकार गंभीर है। सरकार हर ब्लॉक में 2 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। इस योजना को अटल उत्कृष्ट विद्यालय का नाम दिया गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक इन विद्यालयों की मान्यता CBSE से होगी। शिक्षा मंत्री का कहना है कि इससे प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता इसके चलते बेहतर होगी। साउथ चाइना सी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बौखलाया चीन लगातार युद्ध की धमकियां दे रहा है।
इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी चीन पर निशाना साधा और ये कहा कि सद्भावना और शुभकामना स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रखती है, इसके लिए सामर्थ्य की जरूरत है। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए चीन एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन चीन के खिलाफ जुबानी जंग में एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं। दोनों ही ये दर्शाना चाहते हैं कि वो चीन संबंधित मामलों में बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से श्वेत और अश्वेत को लेकर हो रही बहस के बीच अमेरिकी नौसेना में अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मेडलिन स्प्रीगल ने पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया। दरअसल अमेरिकी नौसेना ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी कि लेफ्टिनेंट जेजी मेडलिन स्प्रीगल ने नौसेना फ्लाइट स्कूल पूरा किया है और इस महीने के अंत में उन्हें फ्लाइट अधिकारी का बैच दे दिया जाएगा।